हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। इवनिंग हो गई है भाई, वेंसडे की। और कल है भाई हमारा जूनियर फ्राइडे, और फिर फ्राइडे, और आ गया भाई वीकेंड। हो गया बस, खिंच लिया भाई कम। तो जी आज मैंने सोचा भाई बातें शातें कर ली जाए, आप लोगों के साथ थोड़ी डिस्कशन कर ली जाए। देखो जी, बहुत सारे लोग हैं जो LMI के बेस पे भाई यहाँ पे कैनेडा में आते हैं, राइट। तो जी एम्प्लॉयर आपका कनाडा की गवर्नमेंट को कहता है जी कि जी हमें इस पर्टिकुलर स्किल वाला बंदा कनाडा में चाहिए। तो देखो जी, हम LMIA के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, ठीक है जी। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी। अब उन्होंने ये भी अभी कि ठीक है जी, हमारा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा वो बंदा, ठीक है जी, ये स्किल सेट के साथ आ रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, तरह तरह की बातें। चलो जी भाई, वो LMIA के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं जी, ठीक है जी। अब भाई चलो जी, LMIA मान लो अप्रूव होके भी आ गई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब भाई आपके एम्प्लॉयर ने जी आपको बोल दिया भी, ये देखो भाई LMIA है, आ जाओ आ जाओ। अब प्रॉब्लम आती है यहां पे, प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है भाई, बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी मान लेते हैं इस चीज को कि जी LMIA आ गई है ना, तो इसका मतलब भाई हमारा जो वर्क परमिट है वो भाई पूरा हो गया, और हमारा तो भाई कनाडा की टिकट पक्की, हमारी तो कनाडा की टिकट ही पक्की। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको क्लोज वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उस LMIA बेस पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है जी, प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन लगेगी, फिर जाके भाई इमिग्रेशन वाले वेरीफाई करेंगे चीजों को, प्रोसेस करेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद, सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद वो लगाएंगे जी ठप्पा भी, लो भाई आपका वर्क परमिट जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हुई है या फिर वो रिजेक्ट हो गई है। उसी के बेसिस पे आप फिर आओगे जी कनाडा में, वो आपका भाई जो आप कनाडा वर्क वीजा के लिए भाई अप्लाई करोगे, तब जाके आपको भाई वर्क परमिट मिलेगा, आपको वर्क वीजा मिलेगा जी, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप कनाडा में आओगे, ठीक है। तो कभी भी भाई ये नहीं समझना कि भाई LMIA हो गई है तो भाई मेरा तो जी, मेरा तो पक्का हो गया जी कनाडा में, और ये हो गया वो हो गया, है ना। वो भाई इंप्लॉयर ने जस्ट इमिग्रेशन वालों को या कनाडा की गवर्नमेंट को बोला है, ठीक है जी, कनाडा की गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि हमें ये भाई पर्टिकुलर स्किल वाला बंदा चाहिए, ठीक है जी। तो LMIA के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो जस्टिफाई एक LMIA होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने खुद क्लोज वर्क वीजा के लिए भाई अप्लाई करना है। तो वो जो वर्क वीजा वाली एप्लीकेशन होगी, जब वो अप्रूव होगी, उसके बेसिस पे आप आओगे कनाडा में। ये भाई चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी हैं दोनों के लिए भाई, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ठीक है। किसी गलत फैमिली में मत फंस जाना, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, स्पेशली कंसल्टेंट या एजेंट, कुछ बातें भाई छुपा के रखते हैं, कुछ चीज बताते हैं, कुछ चीज नहीं बताते, और बच्चे भी भाई उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, करते 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 कुछ और ही बन जाता है, और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो भाई इन चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है जी। तो LMIA जस्ट भाई ये है कि उन्होंने इमिग्रेशन सॉरी गवर्नमेंट को ये बोला है कि हमें ये स्किल सेट वाला बंदा चाहिए, और फिर आप जो एक्चुअल में भाई जो वर्क वीजा है कि जो एप्लीकेशन है वो मेन है, ठीक है, उसी के बेसिस पे सारी चीजें होंगी, प्रॉपर भाई प्रोसेसिंग होगी, उसके बेसिस पे भाई आपका जो भी आज की डेट में भाई चल रहा है, आई थिंक का कितना 21 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, आई थिंक पाकिस्तान से 38 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम आज की डेट में, तो भाई उतना प्रोसेसिंग टाइम होगा, वो सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, ठीक है जी, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे पूछेंगे, करेंगे तसल्ली, वो फिर तसल्ली करने के बाद आपको बता देंगे भाई ये रिजल्ट है, आना है या नहीं आना, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो जी पूरे प्रॉपर प्रोसेस होता है जी, किसी गलत फहमी में मत रह जाना, ठीक है। तो ऐसी भाई और अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो करो, सी नेक्स्ट टाइम इन टॉपिक एंड डिस्कशन, टीचर से स्टे का अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय बाय।